नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपन और अपन को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो, देसी देख, बिगर ब्रेक, बगर लागना बेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बसपा सुप्रीमो मायावती 2024 के इलेक्शन में ना तो इंडिया गठबंधन को हिस्सा होंगी और ना ही एनडीए को हिस्सा होंगी। ये बार वो कई बात या बात पे वो अपनों बयान दे चुकी हैं और फाइनल कर चुकी हैं। उधर इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र में मुंबई में मीटिंग है रही है, यानी कि जितने विपक्षी दल हैं, अधिकतर विपक्षी दल एक जगह जुड़ के और इकट्ठा साझा प्रोग्राम बना रहे हैं, और उनकी झंडा की तैयारी है, और एक कैंडिडेट के सामने, यानी कि एनडीए के एक कैंडिडेट के सामने उनकी तैयारी है कि एक ही कैंडिडेट होगी। और जो राजनीतिक जानकार हैं वो अपनी अपनी बात, अपनी अपनी राह दे रहे हैं। क्या राह दे रहे हैं? उनको कहना है सीधो सीधो कि ठीक है, बसपा सुप्रीमो कह रही है अभी कि भाई हम काहे दोनों गठबंधन में थे, काहे को भी हिस्सा नहीं होंगे, बिल्कुल क्लियर कह रही है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती पैनी नजर लगाए हुए हैं, जब तक जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव को रिजल्ट नहीं आवे, वो जब तक वो तोड़ रही है सब चीज को कि किधर को पल्ला भारी है, और अच्छी तरह से तोल करने के बाद में जब इलेक्शन है जाएंगे वाके बाद में वो फैसला ले सके हैं। यानी कि विशेषज्ञ को कहना, हमारा कोई कहना ना है, जो आगे विशेषज्ञ हैं उनको कहना है कि वाद दौरान में वो कोई बड़ा फैसला ले सकें और गठबंधन में शामिल है सके। क्यों गठबंधन में शामिल या नहीं है सकें? क्योंकि बसपा ने बहुत बार का अधिक बार गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ो या गठबंधन बाद में करो, करो जरूर है, तो कोई गठबंधन ऐसी तो बुरी चीज तो है ना भाई। अगर गठबंधन की जरूरत है तो गठबंधन कोई बुरी चीज नहीं है, कर सकें और आने वाले समय भी कर सकें। हालांकि अब बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मने कर रही हैं, लेकिन क्यों मने कर रही हैं वाके ऊपर भी वही बेहतर जाने, कोई ना कोई उनको अपना नजरिया होगा सोचने को। कई बार तो बहुत से जानकार यह बात को भी कह रहे हैं कि अगर अभी तो गठबंधन की बात करेंगे तो अभी बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी, क्योंकि लगभग 7-8 महीना कोई वक्त बचो, तो अभी टाइम है। उधर अगर अभी तो हाँ है गई तो फिर विधानसभा चुनाव में अलग अलग कैसे लड़ पाएंगे, वहां दिक्कत आएगी। या नहीं अपनी स्थिति को मजबूत रखने के नहीं है, पहले इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़ने के बाद में फिर देखी जाएगी जो भी स्थिति होगी। और जानकार ये भी बात कहने कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती काय भी तरीका दे, इंडिया को हिस्सा बन जाए, तो फिर बहुत आसानी है जाएगी और बीजेपी की नहीं है, बहुत बड़ी मुश्किल है जाएगी। क्यों कि फिर तो और कोई है ही ना देश में, या तो बीजेपी और या फिर सारी विपक्ष की पार्टियां, तो जब तो वाकई बहुत बड़ी मुश्किल है जाएगी बीजेपी के नहीं है, क्योंकि तो फिर वो बहुत बड़ा अंतर है, ये तो आप सब लोग भी जानोगे, फिर ना है, फिर कहीं जगह ना मिलेगी, फिर तो भैंस पानी में गई है। लेकिन अगर बसपा सुप्रीमो मायावती इलेक्शन शामिल है कि ना लड़े तो फिर मुश्किल है जाएगी। क्यों कि फिर या को फायदा कौन को होगा? अब मैं अपने मोहते तो कहना सकूं, आप अच्छी तरह से जानो कौन को फायदा होगा। ये बात बसपा सुप्रीमो भी जाने कि अगर वो अलग लड़ेंगी इलेक्शन तो बाद में जवाब भी देना पड़ेगा, तो जवाब कैसे दियो जाओ, ये भी फजी, तो जवाब तो देना ही पड़े, जब सवाल उठे तो जवाब भी देना पड़े। और फिर कोई सार्वजनिक मंच से मत करो, लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान में अंदर से आवाज तो आ गई है, और सबको बहुत लोगों को मानना है कि कोई इतनी बड़ी बात तो है ना, मिलकर आराम से लड़ो जा सके। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती भी इंतजार कर रही है, जब तक विधानसभा को इलेक्शन नहीं है जाओ, चारों पांचों प्रदेश में जब तक वो कोई फैसला नहीं लेंगी, वाके बाद में ही कोई फैसला लेंगी। हालांकि स्पष्ट कह रही है कि ये नहीं लड़ेंगी, मिलेंगे नहीं, कहते मिलकर नहीं लड़ेंगे, तो अभी तो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां भी अपने अपने तरीके से खूब प्रयास कर रही हैं,
कि भाई कैसे भी इनको मना हो जाए, कैसे भी करो जाए, कछु ऐसा सिस्टम बने कि ये भी साथ हम, तो देखो क्या हो। लेकिन हाँ एक बात जरूरी है कि जन जन तक वीडियो को पहुंचाते रहो या समाज को जगाते रहो, क्योंकि समाज की है बैटरी डाउन, बिल्कुल कतई कतई बैटरी डाउन है रही। और बैटरी डाउन होने को मतलब है काई ने कहावत कही कि जा सेना को सेनापति मजबूत हो ना तो सेना बिल्कुल जीत जा, और सेना को सेनापति अगर थोड़ा सा कमजोर हो तो फिर सेना हार ही जा। तो सेना को सेनापति मजबूत है तो बिल्कुल हिम्मत बधारो, हिम्मत को बनाए रहो और वीडियो को आगे को ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, लोगन के फोन में घुसा दो, समाज को जागृत रखो। कछु गोदी मीडिया से सीख लो, हर 72 घंटा में कोई ना कोई नया फार्मूला लिया हमें, जब भी देखेंगे कोई चीज नेगेटिव आ रही है जब भी कोई नया फार्मूला, और नए फार्मूले पर सक्रिय चैनल दकादक 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 चल जाए, पब्लिक है बिल्कुल सोचने को मौका ही ना दे। तो कम से कम ऐसा ना कर सको, लेकिन समाज में कम से कम हर चीज को पहुंचाते रहो, जाते समाज को मनोबल बढ़ते रहे। मेरा काम मैं सिद्धत कर रहा हूं, आप अपना काम सिद्धत करो, और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा रूब रहूंगे, जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक पवेल लाग बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।